गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आज कुछ सब्जी लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं तो गार्डन का साइट पे ही हूँ, और इधर देखिए मैं दिखा देती हूँ। विंटर का कुछ फ्लावर मैंने लगा दिया। ये है होलियक, देखिए कितना नन्ना नन्ना सब अभी मिलते हैं दुकान पे। इधर मैं 7 8 लगा दिए। इधर रेन लिली भी है, और कलंचू, और इधर चाइनीज वायलेट प्लांट दिखा रही हूँ। एक थर्मोकोल की बॉक्स, बॉक्स के अंदर देखिए ये करेला भी हो गए अपने आप हो गए। इसमें, इस बॉक्स में, थर्मोकोल की बॉक्स, इसमें मैं आज ब्रोकोली लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बहुत बड़ा बॉक्स है, देखिए एक बॉक्स कहाँ मिलेगा। ये मछली मार्केट में आप लोग जाइए, मिल जाएगा। उन लोगों को बोलिए इस बॉक्स को आप साफ सुथरा करके दीजिए, और हम लोग खरीदेंगे। ऐसा बोलेंगे तो वो लोग दे देगा। इसमें बहुत सारे मैंने सब्जी लगाती हूँ। एवरी ईयर विंटर या समर का जो सब्जी होते हैं वो सब मैं बॉक्स में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज़मीन है ही नहीं, इसीलिए मुझे ये बॉक्स का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बॉक्स में बहुत सारे सब्जी हो जाते हैं। तो हर साल मैं इस बॉक्स में ब्रोकली प्लांट लगाती हूँ, और बहुत बड़ा होते हैं मेरा इस इधर का जो जो ब्रोकली होते हैं। और पिछले बार भी बहुत बड़ा हुआ था। इसका फोटो मैं इस वीडियो में दे रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और इधर देखिए स्टार फ्रूट, छोटा सा स्टार फ्रूट गिर गई, अभी हो रहा है स्टार फ्रूट। देखिए इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, देखिए नन्ना नन्ना सब फिर से होने लगे। इसका फ्लावर देखिए इतना सुंदर दिखने में। देखिए उसके पास भी स्टार फ्रूट लग गया। मैं आज ये सब ब्रोकोली लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। मार्केट में अभी इस तरह छोटा छोटा ब्रोकोली मिल रहा है, तो मैं लेकर आई हूँ। ये लोग कोकोपीट में लगाया, और इस बॉक्स में मैं 4 ब्रोकोली लगाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए पहले इसका मिट्टी के बारे में बता दूँ। ये इसमें मैं सैंडी सॉइल 40% ले लिए, और 60% कंपोस्ट। मैं विंटर की सब्जी ज़्यादा कंपोस्ट में करती हूँ। कंपोस्ट मतलब इसमें मैं किचन वेस्ट डालती हूँ, हर टाइम डालती हूँ। वो इधर भी सूख जाते हैं, उसके साथ पुराना काऊ डंग मैंने बहुत सारी मिला दी। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद था वो भी मैंने मिला दिया इसमें। और उसके साथ अभी मैं लगाऊं तो आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ, ये है नीम खोली। ये नीम खोली मैं दे रही हूँ, ये देना ही होगा। पहले थोड़ा मैंने दे दिए, अभी कुछ दे रही हूँ, आप लोग दिख रहे हो। और इसके साथ थोड़ा बोन मील भी मैंने पहले डाल दी। ये देखिए मैंने सब डाल दिया, और उसके साथ ये देखिए एंटी फंगल पाउडर, ये मिलाना ही पड़ेगा, ये मैं डाल रही हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, मैं इसको मिला रही हूँ सब एक साथ। और जिसके पास जमीन है वो लगाइए जरूर। ब्रोकली कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, इसलिए जरूर लगाइएगा। सॉइल का पीएच लेवल 5.5 या 6.5 इसमें होना चाहिए, इसमें ब्रोकली अच्छा होते हैं। इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो और भी अच्छा होगा। इसका जब फूल आएगा तब इसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए। देखिए, और इस बॉक्स के नीचे छेद है, जैसे और गमला में जैसे छेद होते हैं, ड्रेनेज होल जरूर कर दीजिएगा पहले, नहीं तो पानी जम जाएगा। पानी जमना नहीं चाहिए।
और ऐसा पानी देना है नीचे से निकल जाए, ऐसा ही पहले पानी देना है। उसके बाद आप पानी देंगे तो इस देखिए इसके ऊपर का सॉइल सूख जाए तब पानी देना है, ना 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 जड़ सब गल जाएगा। यही ये बॉक्स में मैं चार लगा दूंगी, एक हो गया। और देखिए इस तरह जो जबरदस्ती नहीं, हल्का हल्का सा करके, हल्का हल्का करके लगाइए। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ऐसा रख रही हूँ, और इस तरह मिट्टी दीजिएगा और लगा दीजिएगा। देखिए और जिन लोगों के पास ये बॉक्स नहीं होगा, उन सब लोग, आप लोग सब गमला में कीजिए, 10 से 12 इंच गमला में दो लगाइए और 8 इंच गमला में एक लगाइए। दोस्तों देखिए मैं चारों को लगा दी, 1 2 3 4, और अंदर एक करेला को मैं, करेला प्लांट को मैंने रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग कॉलीफ्लावर लगाएंगे तो फूल गोभी वो इसी तरह ही लगाना है, और ब्रोकली के कलर ग्रीन होते हैं, कॉलीफ्लावर व्हाइट होते हैं, और इसके बहुत सारे हाइब्रिड कैटेगरी होता है, नाम होता है, जैसे लाकी सुल्तान, पायरेट, प्रिंसेस, पुष्पा, ऐसा ही सब होते हैं। और लगाने का टाइम सितंबर से नवंबर तक, आप लोग इसको लगाना चाहो तो लगा दीजिएगा, अभी भी बहुत टाइम है। दोस्तों इसको लगाने के टाइम पे एक काम आपको ध्यान से करना है कि इसका डिस्टेंस ठीक से मेंटेन करना है। जैसे मैंने इसको 12 इंच डिस्टेंस मेंटेन करके मैंने लगा दिया, ये तो बढ़ेगा, बहुत बड़ा हो जाते हैं। दोस्तों देखिए ये सबको तो मैं इस बॉक्स में लगा दिया, और एक बात बोलना चाहती हूँ, ये फुल सनलाइट का प्लांट है, 6 से 8 घंटे सनलाइट मिले इस प्लेस में, इस जगह पे आप लोग इसको रखिएगा, इस बॉक्स को, क्या आपका जो गमला होगी उसको फुल सनलाइट की ज़रूरत है। जिन लोगों के बैल्कनी में बहुत धूप आते हैं वो भी ये कर सकते हो, ये लगा सकते हो, और ये तो ऑर्गेनिक सब्जी बनेगा, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। आप सब लगाइएगा, और ये जब 3 वीक्स होगी तब किसान लोग कहते हैं 5 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में मिलाकर इसके सॉइल पे देते हैं, साइड साइड पे देना है यूरिया, और आप केमिकल यूज नहीं करेंगे तो जैसे मैं करती हूँ इस टाइम पे, मतलब 21 डेज में मैं लिक्विड खाद देती हूँ। जैसे ये देखिए मेरा सरसुखली, ये सरसुखली आप 2 दिन पानी में भिगो कर रखिएगा, और 2 दिन के बाद इसको छान लीजिए, उसके साथ थोड़ा एंटीफंगल पाउडर मिलाकर और थोड़ा पानी भी मिलाकर पतला करके इसके सॉइल के साइड साइड पे दे दीजिएगा। ये पूरा जब तक इसका गोभी नहीं बनेगा तब तक आपको देना ही होगा, ये सबसे अच्छा इसका फर्टिलाइजर। और आप थोड़ा फर्मी कंपोस्ट भी इसके साथ मिलाकर इस साइड पे दे सकते हो। और 6 वीक जब होगी तब भी किसान लोग फिर से 5 ग्राम यूरिया पानी के साथ मिलाकर देते हैं। 1.5 मंथ के बाद इसके ऊपर फूल होते हैं, कोई एक एक टाइम पे 2 महीने लग जाते हैं इसके फूल आने आने के टाइम हो जाते हैं 2 महीने। देखिए इसका एज जब 1 मंथ होगी तब 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर मिलाकर स्प्रे करना है, और इसके एज 1.5 मंथ होगी तब और भी एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर इसको इसके ऊपर स्प्रे करना है। जब 2 महीने हो जाएगा या 2.5 महीने तब खाने की लायक हो जाते हैं, आप लोग काट लीजिएगा। आप काटेंगे तो इसके जो स्टेम है इस स्टेम के नीचे से फिर से
फूल बन जाते हैं। एक बार आप ऊपर से फूल को काटकर सब्जी बना लीजिएगा, तब आप सोचेंगे और तो ये तो कुछ काम का नहीं, इसको उखाड़ देना है। ये मत कीजिएगा, इसके स्टेम के नीचे से फिर से और भी छोटा छोटा फूल आ जाएगा, देखिएगा वो भी आपके खाने का लायक हो जाएगा बाद में। देखिए मैं पानी दे रही हूँ, बातों बातों में मैं पानी दिया ही नहीं। और इसमें बहुत सारे सारे कीड़ा अटैक होते हैं, जैसे जाप कीड़ा होते हैं एक टाइप का कीड़ा, उसका कलर येलो एंड ग्रीन मिलाकर होते हैं, छोटा छोटा होते हैं, जैसे चींटी होते हैं ना, सब एक साथ मिलकर जाते हैं ऐसा ही होते हैं। ये सब मिलकर आकर क्या करते हैं, इसके पत्ते के ऊपर बैठकर इसका सब रस खा लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, इस पत्ता तो खराब होते ही है, उसके ऊपर ये पौधा भी एकदम मर जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप्स रोगोर प्लस मिलाकर और आप 0.75 ग्राम असाटॉप भी यूज कर सकते हो, मिलाकर स्प्रे करना है। और एक टाइप का कीड़ा होते हैं, इतना लंबा लंबा सा मोटा मोटा सा, इसे लैदा कीड़ा कहते हैं। ये रात में आते हैं और पत्ते के ऊपर बैठकर पूरा पत्ता खा लेते हैं, सब कंप्लीट करके पूरा खा लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी में 3 ml एजा डायरेक्टिन या 1 ग्राम डूनेट पानी में मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे करना है शाम 5 बजे के बाद। और भी एक कीड़ा है, वो क्या करते हैं, पत्ता के अंदर चले जाते हैं और इसके रस सब खाने के बाद क्या होते हैं, इसके पत्ता पूरा सूख जाते हैं और सड़ जाते हैं। इसके लिए कोई भी फंजीसाइड, जैसे मैं देती हूँ सब पाउडर, इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाकर इसके जड़ के साइड पे या पत्ते के ऊपर स्प्रे करना है एवरी वीक में एक बार करके, और भी शाम 5 बजे के बाद। आज यही तक, मैं तो बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सारे बोल दिया आज भी, और अगले वीडियो में कोई नए नए वेजिटेबल्स लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो एंड तक देखिएगा। आज यही तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।